हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जाए सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 25 नवंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 21 नवंबर। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस भी मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर मत्स्य दिवस हर साल 21 नवंबर को दुनिया भर में मछली पकड़ने वाले समुदाय द्वारा मनाया जाता है और यह स्वस्थ महासागरों के पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व पर प्रकाश डालता है और दुनिया में मत्स्य पालन के स्थायी स्टॉक को सुनिश्चित करता है। और 2021 पाँचवा विश्व मत्स्य दिवस है। पहला विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर 2015 को मनाया गया था और उसी दिन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मछुआरा संगठन का भव्य उद्घाटन भी हुआ था। वर्ल्ड फिशरीज कंसोर्टियम के लिए एक फोरम 1997 के आसपास स्थापित किया गया था और इसे WFF यानी कि वर्ल्ड फिशरीज फोरम के नाम से जाना जाता है। इस मंच के तहत दुनिया भर के कई प्रतिभागियों ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। लगभग 18 देशों ने एक वैश्विक सर्वसम्मति दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जो प्रथाओं के मानकीकरण को चिन्हित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रूस। रूस ने अभी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। रूसी नौसेना ने फ्रीगेट एडमिरल गोर्स्को युद्धपोत से जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जिसने रूसी आर्कटिक जल में रखे परीक्षण लक्ष्य को सही ढंग से मारा है और रूस ने नूडोल नामक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का उपयोग करके कम पृथ्वी की कक्षा में अपने स्वयं के उपग्रह को नष्ट कर दिया है जिसके कारण अंतरिक्ष मलबे का एक बादल बन गया जो संभावित रूप से अन्य रूप से परिक्रमा करने वाले ग्रहों और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को नष्ट कर सकता है। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की मुद्रा है रूबल और यहाँ पर राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्णिमा पर किस राज्य ने बोईता वंदना महोत्सव मनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। उड़ीसा ने यह अभी महोत्सव मनाया है पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा पर जिसे बोईता वंदना भी कहा जाता है। उड़ीसा के विभिन्न जिन जल निकायों में मनाया जाता है। त्यौहार समुद्री परंपरा जिसे कलिंगा में समुद्री व्यापार इतिहास के लिए एक वसीयतनामा के रूप में मनाया जाता है। साधवा के रूप में जाने जाने वाला व्यापारियों और नाविकों ने इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और बाली जैसे बंगाल की खाड़ी के साथ सीमाओं को साझा करने वाले दूर के द्वीप राष्ट्रों के साथ व्यापार करने के लिए बोइट्स नौकाओं पर यात्रा की है। उड़ीसा के अन्य और भी लोकप्रिय जो महोत्सव या त्यौहार होते हैं वह दिए गए हैं, छऊ महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव, बाली यात्रा, राजा परबा, नुआखाई महोत्सव यहाँ पर प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। नुआखाई भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल है यहाँ पर गणेशी लाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक को प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी RBL बैंक को
प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है। रिजर्व बैंक ने RBL बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है, जो कि लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार की सिफारिश के आधार पर अब RBL बैंक के ग्राहक अपने प्रत्यक्ष करों का भुगतान RBL बैंक के मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म या शाखा बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से कर सकते हैं। RBL बैंक की स्थापना 1943 में की गई थी और RBL बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। इसके CEO और MD हैं विश्ववीर आहूजा और इस बैंक का टैगलाइन है अपनों का बैंक। क्या है अपनों का बैंक? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रथम NGO। प्रथम NGO ने यह पुरस्कार जीता है। प्रथम NGO को भारत में शिक्षा के दायरे का विस्तार करने के काम के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच हो, एक चौथाई सदी से भी अधिक समय से इसका अग्रणी कार्य है। शिक्षा देने के लिए डिजिटल तकनीकी का इसका अभिनव करेगा और शिक्षा की गुणवत्ता का इसका नियमित मूल्यांकन बच्चों को COVID-19 प्रतिबंधों के बीच सीखने में इसकी समय पर प्रतिक्रिया की जाएगी। और प्रथम NGO एक अभिनव शिक्षण संगठन है जिसे भारत के शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बनाया गया था। और NGO की स्थापना 1995 में फरीदा लांबे और माधव चौहान ने की थी और यह भारत के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठनों में से एक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया वर्सेज UK द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सैयद अकबरुद्दीन ने यह पुस्तक लिखी है। वरिष्ठ भारतीय राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन ने इंडिया वर्सेस UK द स्टोरी ऑन एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन नामक पुस्तक लिखी है और पुस्तक में 2017 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के चुनाव में यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ भारत की जीत पर पर्दे के पीछे का विवरण है और उस समय संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन इस महत्वपूर्ण चुनाव के चश्मे के माध्यम से इस मामलों में भारत के आने वाले युग के पर्दे के पीछे का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्री ने किस IIT में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी IIT गुवाहाटी में यह प्रारंभ किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने IIT गुवाहाटी में अत्याधुनिक सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्घाटन किया। उन्होंने NEP 2020 के कार्यान्वयन पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया है। इस मौके पर असम के शिक्षा मंत्री रनोज बेगू में मौजूद थे और IIT गुवाहाटी के विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणालियों में रैंकिंग हासिल की है। और नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और नैनो टेक्नोलॉजी की उद्योग के साथ अकादमिक साझेदारी बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24 नवंबर को किस राज्य ने लाचित दिवस मनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए असम। असम राज्य ने यह लाचित दिवस मनाया है। अहोम सेना के जनरल लाचित बोरफुकन की जयंती को चिन्हित करने के लिए 24 नवंबर को भारतीय राज्य असम में लाचित डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और लाचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को चराईदेव में हुआ था और वह सरायघाट की लड़ाई में अपनी सैन्य खुफिया जानकारी के लिए जाने जाते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की, इसका यह कौन सा संस्करण है? तो यह 49वां संस्करण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 2021 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स न्यूयॉर्क शहर में आयोजित वार्षिक समारोह का 49वां संस्करण था और पुरस्कार ने 1 जनवरी 2020 और 31 दिसंबर 2020 की तारीखों के बीच मूल रूप से यूएसए और गैर अंग्रेजी भाषा यूएसए प्राइम टाइम कार्यक्रमों के बाहर निर्मित और प्रसारित टेलीविज़न के कार्यक्रमों में उत्कृष्टता को मान्यता दी है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देश यूके के लिए देश के लिए किसके मिला है? डेविड टेनेंट। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं एडल्ट मटेरियल यूके के लिए हैं हेले स्क्वायर। और सर्वश्रेष्ठ नाटक संग्रह है तेहरान इसराइल के लिए। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज के लिए कॉल माय एजेंट सीजन फ्रांस को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हो फ्रोजन अ क्वेस्ट टू लिव ट्वाइट्स थाईलैंड को मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अब्दुल्ला हमदोक फिर से किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सूडान। सूडान के फिर से प्रधानमंत्री बन गए, यही है अब्दुल्ला हमदोक जो सूडान के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं। सूडान के हटाए गए प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को हमदोक और अब्दुल फताह अल बुरहान सूडानी सशस्त्र बल के जनरल कमांडर द्वारा वर्तमान राजनयिक संकट को समाप्त करने के लिए राजनीतिक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद फिर से नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री बनने से पहले हमदोक ने अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग अफ्रीकी विकास बैंक और इथोपिया में व्यापार और विकास बैंक के में एक विशेष सलाहकार के रूप में कार्य किया है। और सूडान की राजधानी है खार्तूम और यहाँ पर मुद्रा चलती है सूडानी पाउंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल आईटी गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।